साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। सुपरवाइजर्स के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। रिलीज करो, रिलीज करो, स्ट्रीम लाइन करो, स्ट्रीम लाइन करो, स्ट्रीम लाइन करो। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो। और स्टेट प्रेसिडेंट जेके आईसीडी सुपरवाइजर जो चेयरपर्सन जेके सेवा से हूँ, और आज जो हम यहाँ पे जमा हुए ये सारी आईसीडी सुपरवाइजर्स है, इनकी सैलरी जो है वो पिछले 8 महीने से नहीं निकली है। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी स्ट्रीमलाइन हो जाए, हमें मंथली सैलरी मिल जाए, और आज हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं गवर्नर साहब को, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को और सेक्रेटरी साहब को कि हमें वीक में 2 या 3 महीने नहीं चाहिए, हम मेंड होने वाले नहीं है, हमारी सैलरी को वो मंथली रेगुलराइज करें। और दूसरी बात हमारी जो है वो हम डिकेड स्टैग्नेशन है हमारी सुपरवाइजर्स की, और हमारे 91 से लोग वेट कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। सरकार के पास प्रमोशन पॉलिसी होती है, बदकिस्मती से आईसीडीएस सेक्टर को उससे भी महरूम रखा गया है। हम फीमेल जो 90% इस डिपार्टमेंट में है, हमें प्रमोशन से भी महरूम रखा गया है। हम वर्दी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी साहब को, गवर्नर साहब को ये अपील करते हैं कि वो हमारा जो प्रपोजल सेक्रेटरी साहब के पास गया है उसको अप्रूवल दे दे। हमारे पास जो जूनियर्स अभी कुर्सियों पे बैठे हैं, CDPOs एंड ACDPOs, दिस इज अ लास्ट कॉल फॉर देम। दे शुड अंडरस्टैंड दैट नाउ द यूनियन विल नॉट बियर एनीथिंग अनजस्टिस। वी विल फाइट। कितने एम्प्लॉइज इसमें सफर कर रहे हैं? वी आर 1525 सुपरवाइजर्स राइट नाउ ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर, एंड दे आर सफरिंग, दे आर मोस्टली फीमेल्स। This is a call from female folk that we will not now, we will not now tolerate injustice which is being done by the female folk. यही आज हमारा, और दूसरा हमारा, हमारे जो supervisors from आंगनवाड़ी worker to supervisor बनते हैं, उनकी जो ये है, उनकी जो सर्विस है वो 20 साल नहीं आती है। खुदा रा वो जब कल अपनी फैमिलीज में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? हम चाहते हैं कि उनकी जो एज आंगनवाड़ी वर्कर सर्विस है वो 25% उन्हें इंक्लूड किया जाए। ये हमारे आज के मुद्दे थे।